वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ फॉर एफ एल एन इससे पहले मैंने इसका क्विज़ पार्ट वन सॉल्व कर दिया है इस वीडियो में हम क्विज़ पार्ट टू सॉल्व करेंगे जिसके बीस क्वेश्चन उसमें नहीं मिल पाए थे ये इस वीडियो में देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी भी मैंने सॉल्व कर दी है साथ ही साथ निष्ठा मॉड्यूल एफ एल एन थ्री भी अपलोड है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट है टीचर ट्रेनिंग के नाम से वहां से भी चेक कर सकते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर मैनी वेज टू डेवलप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन स्कूल एंड फैमिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज Correct answer is there is a continuous communication between both on all the aspects of children's learning and development. Next question is when parents involve children in making low cost toys, it helps in the development of. Not only creative skills but children also get a sense of proportion and background on spetile and shape concepts. Click day or next day What are the modes to organize advocacy program for the community? Correct answer is media resources, folk songs, street plays, puppet shows. Parents and community members should be involved in the preschool program through. Correct answer is regular communication workshop, PTMs, and parents' conferences. Is par click karke, next. नेक्स्ट करें व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिवाइड बिटवीन पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड देयर एक्चुअल सपोर्ट फॉर द एडुकेशन ऑफ़ चिल्ड्रेन पेरेंट्स एंड टीचर्स आर नॉट प्रॉपर्ली ओरिएंटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मीनिंगफुल पार्टनरशिप नेक्स्ट कर दें पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ़ द लर्निंग आउटकम आइडेंटिफाइड फॉर डिफरेंट क्लास लेवल्स क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएँ Next question is what is important for families to know if they want to support their learning in FLL? Learning outcomes for every stage Click and next karay. Lack of communication skills and methods on both the sides Parents and school is one of the major reasons for low response of parents and community Click and next karay. Which of the following is correct for motivating children towards foundational literacy at home? शेयर ट्रीडिंग क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू एडवोकेट फॉर कोलेब्रेशन बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज सच कोलेब्रेशन फैसिलिटेट्स चिल्ड्रेन लर्निंग एट स्कूल एंड होम क्लिक करके नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी टू प्रोमोट फाउंडेशनल न्यूमेरेसी द पेरेंट्स एट होम ट्रेसिंग अलॉन्ग दी लेटर क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेन स्कूल्स आर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू दी फैमिली मेम्बर्स इट इज़ ईजियर टू करेक्ट आंसर इज क्राफ्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप प्रोग्राम क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ Next question gaya hai providing developmentally appropriate twice games to children, and the foundational stage gives them chances to practice new skills in movement, creativity, thinking, and interaction. Next is parents can sing along with their children to promote foundational literacy and encourage them to identify the rhyming word in a poem song. क्लिक करके नेक्स्ट कर दें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस बाय द टीचर टू सेंड रेगुलर अपडेट्स टू पेरेंट्स करेक्ट आंसर इज डायरी नोट क्लिक कर दें और नेक्स्ट करें क्रिएटिंग अ एल एन रिसोर्स सेंटर इन द्लासरूम स्कूल फॉर द पेरेंट्स फैमिलीज विल हेल्प पेरेंट्स टू करेक्ट आंसर इज बोरो रेलिवेंट बुक मटेरियल्स टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग क्लिक करके नेक्स्ट कर दें द लक्ष्य और दी टारगेट्स फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हैव बीन स्टेटेड इन फोर एरियाज़ ओरल लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी क्लिक करके आगे बढ़ जाएं ड्यूरिंग अ पी टी एम वेन द टीचर टॉक्स अबाउट द चाइल्ड होल्डिंग द बुक अपड डाउन द टीचर इज टॉकिंग टू पेरेंट्स अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन बुक हैंडलिंग एंड फाउंडेशनल लिटरेसी क्लिक करके नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज टू एडुकेट पेरेंट्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन लर्निंग करेक्ट आंसर इज कीपिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंट्रैक्शन ओपन टू द कन्वीनियंस ऑफ पेरेंट्स क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन्वाल्विंग पेरेंट्स इन द एडुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड विल करेक्ट आंसर इज बी वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है सबमिट पर क्लिक कर दें देखिए स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आ गया है इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं मैंने इसका पहला पार्ट भी अपलोड किया था ये सेकेंड पार्ट है आई होप कि आपने दोनों वीडियो देख ली है और आपने दोनों वीडियो को मिला करके अपने सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर लिए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सब लोग खुश रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़